हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मुख्य टॉपिक 5S की संकल्पना है। 5S की संकल्पना यानी कि 5S क्या होता है। दोस्तों, पहले इसको हम सरसरी निगाह में एक छोटे में आपके परिवेश के ऊपर बताएंगे, फिर इसके बाद इसे पूरे हम थ्योरी के रूप में बताएंगे। देखिए, 5S की संकल्पना जो है ये एक जापानी शब्द है और जापानी शब्दों का समाकलन है। देखिए, यह जापानी शब्दों का एक समाकलन है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या इसकी आवश्यकता पड़ेगी हम जापानी शब्द को अपने यहाँ इस्तेमाल करने लगे, तो उसका देखिए, इम्प्रूव करना और हानियों को कम करना, यानी कि खुद को या कंपनी को इम्प्रूव करना, यानी कि दिन पर दिन क्या करना, उसे उन्नत की तरफ ले जाना और उसमें जो हानियां हो रही हैं उस हानियों को कम करना। अच्छा, फिर 5S में क्या किया गया, 5S होते हैं इसलिए इसे हम 5S कहते हैं। पहला क्या होता है, सॉर, फिर सेट इन ऑर्डर, फिर शाइन, फिर स्टैंडराइज और फिर सस्टेन्स। तो इसको हम पहले समझेंगे कैसे, अपनी भाषा में कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक चक्रीय क्रम में इसको हम बैठाए हैं और इसे अपनी भाषा में समझना है हमको। तो कैसे समझना है, देखिए आप कल्पना कर लीजिए कि आप एक स्कूल के प्रांगण में हैं और उस दिन सभी बच्चे जो हैं वो बिना ड्रेस के आए हैं। 1 से लेकर 12 तक के सभी क्लास के बच्चे प्रांगण में इकट्ठा हो गए हैं। अब आपको सबको अलग अलग करना है, तो आप कैसे करेंगे, या तो टीम लगाएंगे या तो बच्चों से अलाउंस कहेंगे कि प्यारे बच्चों, हर क्लास के बच्चे अपने अपने कमरे में जाए, तभी तो छटनी हो पाएगी। तो छटनी हो जाएगी यानी कि पहले हम क्या करना है, सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, छटनी करना। अच्छा, छटनी कर लिए, छटनी करने के बाद जब हम स्कूल क्लास के अंदर जाएंगे, जब क्लास के अंदर जाएंगे तब क्या करेंगे, फिर भीड़ लग गई तो हम कहेंगे कि क्रम से आओ, क्रम से आओ, हर एक बच्चा क्रम से आए, चाहे रोल नंबर से आए, चाहे हाइट के हिसाब से, जैसे भी क्रम बनाना है उस क्रम के हिसाब से आए। अच्छा, कहने मतलब क्या करना है, हमें सेट इन ऑर्डर यानी कि इसे हमें व्यवस्थित क्रम में कर लेना है, दूसरा स्टेप हो गया। अच्छा, व्यवस्थित कर ली, व्यवस्थित करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए व्यवस्थित करने के बाद, अच्छा ये सब हर एक कॉलम, पहले कॉलम के बाद जो दूसरा कॉलम होगा ये बिना पहले कॉलम के नहीं पूरा हो सकता, यानी कि हर एक कॉलम हर एक अगले पिछले स्तंभ पर टिका हुआ है। यानी कि अगर कॉलम टू यानी कि स्टेप टू की कल्पना करेंगे तो पहले स्टेप वन होना चाहिए, जब स्टेप थ्री करेंगे तो स्टेप टू और वन दोनों होना चाहिए, 4 करेंगे तो 1, 2, 3 होना चाहिए, 5 करेंगे तो 4 होने चाहिए। कहने मतलब देखिए, यहाँ पे हम ऐसे एरो लगा दिए हैं कि हर एक क्रम में हर एक की आवश्यकता पड़नी है। अच्छा, ये सेकंड ऑर्डर हो गया यानी कि व्यवस्थित क्रम में कर लेना है। अब हम क्या करना है कि हम अपने एजुकेशन शिक्षा के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करना है, बच्चों के स्वच्छता के बारे में बताना, यानी कि हमें उसे क्या करना कि स्कूल प्रांगण क्लास और हमें स्वयं खुद को स्वच्छ रहना चाहिए, वातावरण को साफ रखना चाहिए, माहौल साफ रखना, यानी कि हमें शाइन के बारे में बताना है, चमकाने के बारे में बताना है। अच्छा, ये हो गया, तो तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या होगा, अब हमारी क्लास स्टार्ट हो गई, अब हम क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो पढ़ाई कैसे, एक मानक बनाएंगे, पढ़ाई का एक मानक जो है किताबों में, उस मानक से हम पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर जो पढ़ा रहे हैं उसको नियमित होमवर्क देंगे, होमवर्क देखेंगे यानी कि नियमित उसकी हम देखभाल करेंगे और नियमित उसका हम हर एक बच्चे का एनालिसिस करेंगे कि इसमें कितना उन्नत, कितना प्रगति हो रही है। अच्छा, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद वो क्या करेगा, हमारा बच्चा जो होगा वो टॉप करेगा या पास करेगा, तो जो हमारे कॉलेज की प्रगति है हर वर्ष की, वो हर वर्ष उसी पे कायम रहे, ये पांचवा स्टेप हो जाएगा। और जो हमारे स्कूल का मानक है, जो स्टैंडर्ड है, जो शिक्षा का लेवल है, वो हमेशा बना रहे, ये मानकीकरण के चौथा नंबर हो जाएगा। अच्छा, इस वर्ष हम टॉप ले आए, 10 टॉपर ले आए, अगले वर्ष हम टॉपर ही नहीं ले पाए तो हमारे कॉलेज की जो छवि होगी वो धूमिल हो जाएगी, तो फिर हमारी चारों मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो प्रगति हम पा गए हैं उसको हम कायम रखें और उसको स्थिर रखते हुए हम अन्य प्रगतियों को भी पाएं। ये है हमारा पांचवा स्टेप। तो इस तरीके से हम
5S की संकल्पना को आसानी भाषा में समझ सकते हैं। अच्छा, इसी को हम थ्योरेटिकल रूप में समझाएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले हमें कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं भी जब हम 5S की संकल्पना करते हैं, 5S का कॉन्सेप्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें छटनी करना होता। अब कैसी छटनी करनी है, जो अनावश्यक पदार्थ है, यानी कि हमें आवश्यक पदार्थ को ही अपने पास रखना है। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, देखिए हम लिख दिए हैं कर्म, टैग वर्ड और याद करने योग्य बातें। तो हमें याद करने योग्य बातें क्या है, यानी कि क्वेश्चन कहाँ से उठेगा और क्वेश्चन में कौन सा शब्द जुड़ा रहे तो हमें कौन सा उत्तर देना है, तो इसी को हम कहेंगे टैग वर्ड। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस क्रम में रेड टैगिंग होती है, तो उसे कहेंगे S1 में रेड टैगिंग होती है। अच्छा, रेड टैगिंग क्या होती है, छटनी, हम छटनी करें किसी कंपनी में, हम पदार्थों की छटनी ऐसे करें कि जो पदार्थ भविष्य में हमारे लिए उपयोग के नहीं है, उस छटनी करने को हम रेड टैगिंग कहते हैं। अच्छा, फिर दूसरा देखिए, अनावश्यक पदार्थों की छटनी करना। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आज काम नहीं आ रहे हैं, कल काम आएंगे, कल नहीं परसों काम आएंगे, तो हमें पदार्थों को छटनी करते समय वर्गीकृत करके रखना है कि जो आज अति आवश्यक है उन्हें तुरंत लो और जो कल काम आने वाले हैं उनको बगल रखो। तो इस तरीके से छटनी प्रक्रिया जो होगी वो S1 होगी, यानी कि S1 होगी। अच्छा, अब इसमें टैगिंग शब्द क्या पकड़ने हैं कि रेड टैगिंग, अनावश्यक पदार्थों की छटनी करना किस क्रम में आएगा, एक में आएगा, जरूरी पदार्थों को पास में रखना किस क्रम में आएगा, S1 में आएगा। अच्छा, फिर S2 क्या आएगा, सेट इन ऑर्डर, यानी कि क्रम को निर्धारित करना, व्यवस्थीकरण करना। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें टैग वर्ड क्या आएगा कि किस क्रम में वस्तुओं का व्यवस्थीकरण करते हैं, किस क्रम में वस्तुओं को उचित स्थान पर रखते हैं, तो हम कहेंगे S2 में। देखिए यहां पे करना है कि वस्तुओं को हमें व्यवस्थित करना है, जैसे कि हम किचन का सामान बेडरूम में रखें, व्यवस्थित रखें तो व्यवस्थित तो है लेकिन उचित नहीं है, तो हमें ऐसे सामान जो व्यवस्थित भी हो और उचित स्थान पर रखे गए हों, ऐसे सभी पदार्थ जो होंगे वो S2 यानी कि सेट इन ऑर्डर में आएंगे। तो इसमें क्या आएंगे, वस्तुओं को व्यवस्थित करना और वस्तुओं को उचित स्थान पर रखना। अच्छा, फिर S3 क्या आएगा, S3 में होता है शाइन, यानी कि चमकाना। देखिए किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये तो समझने के लिए हो गया। अब देखिए शाइनिंग का मतलब क्या हो कि कोई कंपनी होती है, देखिए उसमें सबसे पहले प्रकाश व्यवस्था अच्छी की जाती है, तो यहाँ पे क्या करना है, स्वच्छता विशेष देखना है। अब स्वच्छता कहाँ कहाँ देखेंगे, स्थान हो, स्वच्छ स्थान हो, प्रकाशित स्थान हो, मशीन स्वच्छ हो और जो निकलने वाला आउटपुट पदार्थ है वो स्वच्छ हो, और फिर वातावरण प्रभावी कारक, यानी कि वातावरण प्रभावी कारक भी हमारे पास हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम दिन भर साफ ही ना करते रहे, हम वर्षा, धूल, गर्मी आदि कारकों से बच भी सके, ये सभी टैग वर्ड जो हैं ये शाइन में आएंगे, एस में आएंगे, और वहां पे एक अच्छी प्रकाश व्यवस्था हो इसकी भी जिम्मेदारी इसे में आएगी, प्रकाश व्यवस्था। तो इसमें क्या पूछेगा, अगर कोई भी एक टैग वर्ड उठा ले कि प्रकाश व्यवस्था किसमें होनी चाहिए, तो हम S3 में बताएंगे, शाइन में होनी चाहिए। अच्छा, फिर आता है मानकीकरण। तो पहले मानक क्या होता है, मानक एक कारक शब्द है और मानकीकरण एक क्रिया है, तो किसी पदार्थ को मापने के लिए जो इकाई बनाई जाती है उसे हम मानक कहते हैं, और मानक बनाने की क्रिया को मानकीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए मानकीकरण जो होती है इस पूरे स्टेप की सबसे सर्वोत्तम क्रिया होती है, और अभी हम इस चार्ट के माध्यम से हम बताए थे कि कोई भी एक क्रम अगर हमें पकड़ना है तो उसके ऊपर वाला क्रम हमारे पास, उसके ऊपर वाला स्तंभ मजबूत होना चाहिए। देखिए अगर हम क्रम 2 की बात करें तो क्रम 2 तभी संभव है जब क्रम 1 साथ देगा, और जब क्रम 3 की बात करेंगे तो जब क्रम 1 क्रम 2 दोनों साथ देंगे तभी क्रम 3 की संकल्पना
कर सकते हैं। और जब कर्म फोर की बात करेंगे तो जो 1, 2, 3 तीनों सहयोग करेंगे तब फोर होगा, और जब फोर हो जाएगा फाइव की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 चारों कर्म चारों अष्टम जब मजबूती से साथ देंगे तब हम जाके 5S यानी पांचवे कर्म को पाएंगे। और पांचवा कर्म अगर विफल हो गया तो ये चारों कर्म बेकार है। इस तरीके से 5S की संकल्पना की गई। ये एक जापानी शब्द है और जापान से उठाया गया। देखिए जापान विकसित है और वहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है, तब भी वो टेक्नोलॉजी में, फैक्ट्री में, उत्पादन में, सब जगहों पे आगे है, इसलिए वहां से इस संकल्पना को उठाया गया और विभिन्न देशों में इसे लागू किया गया। अच्छा, मानकीकरण हो गया। मानकीकरण में क्या हो गया, ये सबसे सर्वोत्तम प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि 5S कॉन्सेप्ट में सबसे सर्वोत्तम प्रक्रिया कौन सा है, तो उसे कहते हैं S4 या मानकीकरण। अच्छा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या होता है, नियमित जांच करेंगे। कहने का मतलब देखिए, यहां बताए थे ना कि अगर हमें एक स्टैंडर्ड मानक रखना है तो हमें उसके नियमित जांच करनी है, फिर कलर कोडिंग करना है, उसे कलर कोड के माध्यम से रखना है कि कम समय में हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकें, फिर मानक का एक पदार्थ का एक मानक बनाना है, फिर अपना खुद का क्या करना है, एक ब्रांड बनाना है। हर कंपनी देखिए अपना एक खुद का ब्रांड बनाने की कोशिश में लगी रहती है, जैसे एडिडास हो गया, उसका जूता या अन्य चीजें जो है उसका एक मानक बन गया ना, उसका एक ब्रांड बन गया, वो मानकीकरण में आ गया, S4 में वो आ गया। अच्छा, फिर आता है कायम रखना, सुस्टेंस। इसमें क्या करना है, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, अगर इसको हम स्थिर नहीं रख पाए तो बाकी ऊपर की चारों मेहनत बेकार होने वाली है। तो इसमें क्या करना है, देखिए हम सफल हो जाए ये अच्छी बात है, लेकिन सफलता हमेशा आती रहे ये और अच्छी बात है। तो वही चीज है, जैसे कि कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें एक बार सफल होने के बाद फिर अपने वस्तुओं मतलब अपने कार्यों को वैसे ही जारी रखना चाहिए जैसे हम सफलता से पहले करते थे। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के रख दो, ये नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें यही बताया गया है, 5S में जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अपने आप को जिस 100% पे कायम रखना चाहिए और आगे का प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रशिक्षण देना चाहिए, जितने भी हमारे 1 से लेकर 4 तक के कर्मचारी वर्कर लगे हैं इनको समय समय पे क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए और इनकी देखरेख करनी चाहिए, और इनमें से अलग अलग ग्रुप में अलग अलग उनको इनमें चेंबर बांट देना चाहिए और हर एक चेंबर में एक लीडर बना देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति इतना सुपरविजन नहीं कर पाएगा, तो लीडर बना देंगे तो वो सब जगहों पे वो देखता रहेगा और वहां से हम उसका इनपुट लेते रहे। अच्छा, फिर वार्तालाप करना चाहिए कि हमसे हमें अन्य लोगों से क्या करना चाहिए, बीच बीच में बात करनी चाहिए कि आपको कोई देखिए अनुभव होना अलग बात है और प्रैक्टिकल होना अलग बात है, तो हमें अनुभव और प्रैक्टिकल दोनों साथ में रखना चाहिए, तो हमें बीच बीच में अपने वर्कर से अपने कर्मचारी से बातचीत करते रहना चाहिए। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, यानी कि कोई चीज ऐसा कर रहा है जिससे वो कर भी नहीं पा रहा, निराश हो रहा है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, अपने वर्कर को मोटिवेट करते रहना चाहिए। अच्छा, फिर रिवार्ड देना चाहिए, यानी कि जो 100% तन मन धन से लगा हुआ है तो उसे हमें कुछ और आगे बेहतर कर सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे बीच में कुछ रिवार्ड्स देना चाहिए। फिर और ये क्या है, सबसे कठिन प्रक्रिया है। तो इसमें देखिए जितने टैग वर्ड लिखे गए हैं, अगर इन टैग वर्डों को आप ऐसे आसानी से पढ़ ले रहे हैं तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन के अंदर इन्हीं वर्डों को कहीं ना कहीं जरूर रखा जाएगा, और जैसे इन वर्डों को रखा जाएगा जिस वर्ड के सामने जो लिखा गया है, ये नहीं कि S1 है, ये S2 है, S3, S4, S5, तुरंत आप पकड़ लेंगे और आप सही आंसर लगाएंगे। और इस समय इन परीक्षाओं मतलब कि परीक्षाओं में इस समय ऐसे क्वेश्चन को डाला जा रहा है। दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।